अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसूर दाल की खिचड़ी और सफ़ेद तिल नारियल का खट्टा। साथ में हम आम का अचार और साबूदाने की पापड़ी भी सर्व करेंगे। चलिए पहले खट्टा बना लेते हैं। सफ़ेद तिल, नारियल और हरी मिर्च को भून लें और इसमें 2 लहसुन की कलियां ऐड करें और 1 टेबलस्पून जीरा। 100 ग्राम इमली को पानी में भिगो लें। तिल और नारियल का अच्छे से पाउडर बना लें। अब इसमें थोड़ा सा इमली का पानी और नमक ऐड करके फिर से अच्छे से इसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को इमली के पानी में ऐड करें, अच्छे से मिक्स कर लें। नमक चेक कर लें इस पॉइंट पे। अब तड़के के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल ऐड करें और 2 टेबलस्पून जीरा, जीरा ज़्यादा ऐड करें, और हरी मिर्च। जीरे को अच्छे ब्राउन होने के बाद हरी मिर्च ऐड करें, करी पत्ता और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी ऐड करने के फौरन बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। जो हमने खट्टा बना के तैयार रखा हुआ था उसको ऐड कर लें। इस खट्टे को बॉईल या पकाना नहीं है, इसको इसी तरह से बनाएं। अब इसमें बॉईल किए हुए अंडे ऐड कर लें, अंडे ऑप्शनल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खट्टा बन के तैयार है। चलिए अब खिचड़ी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन यूज़ किया है, आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करें और 5 इलायची, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। अदरक लहसुन को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। अब इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कच्ची हल्दी जो मेरे पास थी मैं वो भी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए भून लें। 3 कप चावल और 1 कप मसूर की दाल को पहले से धो के भिगो लिया था, अब इसको भी हम ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से मिक्स कर लें, चावल भिगा हुआ है, टूट ना जाए। अब चावल के हिसाब से पानी को भी ऐड कर लें। नमक ऐड करें अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसको 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 10 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 70% पक चुका है और थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। अब इसको हम सिम पे पका लेंगे। माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी खिचड़ी बनके तैयार है। अब इसको ढक के फ्लेम को ऑफ कर दें। माशाल्लाह देखिए हमारी खिचड़ी और खट्टा, आम का अचार और पापड़ी के साथ हमारा नाश्ता तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।